Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब ले चलती हूं आपको वीडियो की ओर। तदंतर दोनों भाई कबंध के बताए अनुसार सुग्रीव से मिलने के उद्देश्य से पंपा नामक पुष्करणी के पश्चिम तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां शबरी के रमणीय आश्रम को देखा। शबरी सिद्ध तपस्वनी थी। उन्होंने राम लक्ष्मण का अपने आश्रम में पाद अर्ध आदि से यथोचित सत्कार और पूजन किया। रामचंद्र ने शबरी से पूछा, हे तपस्विनी, तुम्हारी तपस्या में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा तो नहीं पड़ती? कोई राक्षस आदि तुम्हें कष्ट तो नहीं देते? राम के स्नेह युक्त शब्द सुनकर वृद्धा शबरी हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मेरे इस आश्रम में आपके पधारने से ही मेरी संपूर्ण तपस्या सफल हो गई। मेरे गुरुदेव तो उसी दिन वैकुंठवासी हो गए थे जिस दिन आप चित्रकूट में पधारे थे। अपने अंतिम समय में उन्होंने ही आपके विषय में मुझे बताया था। उन्होंने कहा कि मेरे आश्रम में आपके अतिथि रूप में आने के पश्चात आपके दर्शन करके मैं श्रेष्ठ एवं अक्षर लोकों में जा पाऊंगी। हे पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के मीठे और स्वादिष्ट फलों का संचय किया है, कृपया इन्हें ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें। राम के द्वारा शबरी से उनके गुरुजनों के विषय में पूछे जाने पर बताया, हे राम, यह सामने जो सघन वन दिखाई देता है यह मतंग वन है। मेरे गुरुजी ने एक बार यहाँ विशाल यज्ञ किया था। यद्यपि इस यज्ञ को हुए अनेक वर्ष हो गए हैं तथापि अभी तक उस यज्ञ के सुगंधित धुएं से संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा है। यज्ञ के प्रात अभी भी यथास्थान रखे हुए हैं। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में सभी धार्मिक मनोकामनाएं पूर्ण कर ली हैं, केवल आपके दर्शनों की अभिलाषा शेष थी, वह मुझे आज पूर्ण हो गई। अतः आप मुझे अनुमति दें कि मैं इस नश्वर शरीर का परित्याग कर उसी लोक में चली जाऊं जहां मेरे गुरुजन गए हैं। शबरी की अदम्य आध्यात्मिक शक्ति को देख कर राम ने कहा, हे परम तपस्वनी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे।
रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाकर शबरी ने समाधि लगाई और अपने पाप प्राण विसर्जित कर दिए। इसके पश्चात शबरी का अंतिम संस्कार कर दोनों भाई पंपा सरोवर पहुंचे। निकट ही पंपा नदी बह रही थी, जिसके तट पर नाना प्रकार के वृक्ष पुष्प पल्लव शोभायमान हो रहे थे। उस स्थान की शोभा देखकर राम अपना सारा शोक भूल गए। वे सुग्रीव से मिलने की इच्छा से पंपा के किनारे किनारे पुरी की ओर चलने लगे। कमल उत्पल मत्स्यों से परिपूर्ण पंपा सरोवर के पास पहुंचने पर वहां के रमणीय दृश्यों को देखकर राम को फिर सीता का स्मरण आया और वे पुनः विलाप करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे सौमित्र, इस पंपा सरोवर का जल वैदुर्य मणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इसमें खिले हुए कमल पुष्प और क्रीड़ा करते हुए जल पक्षी कैसे सुशोभित हो रहे हैं। चैत्र माह में वृक्षों को पल्लवित कर फूलों और फलों से समृद्ध कर दिया है। चारों ओर मनोहर सुगंध बिखर रही है। यदि आज सीता भी अपने साथ होती तो इस दृश्य को देखकर उनका हृदय प्रफुल्लित होता। ऐसा प्रतीत होता है बसंत रूपी अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर देगी। हाँ सीते, तुम न जाने किस दशा में रो रो कर अपना समय बिता रही होगी। मैं कितना अभागा हूँ कि तुम्हें अपने साथ वन में ले आया परंतु तुम्हारी रक्षा न कर सका। हाँ पर्वत शिखरों पर नृत्य करते हुए मोरों के साथ कामातुर हुई मोनिया कैसा नृत्य कर रही हैं। हे लक्ष्मण, जिस स्थान पर सीता होंगी यदि वहाँ भी बसंत खिला होगा तो वो उसके विरह वृद्धि को कितनी पीड़ा पहुँचा रहा होगा। वह अवश्य ही मेरे वियोग में रो रो कर अपने प्राण दे रही होगी। मैं जानता हूँ वह मेरे बिना पानी से बाहर निकली हुई मछली की भांति तड़प रही होंगी। उसकी वही दशा हो रही होगी जो आज मेरी हो रही है, अतः मुझसे भी अधिक होगी, क्योंकि स्त्रियां पुरुषों से अधिक भावुक और कोमल होती हैं। यह संपूर्ण दृश्य इतना मनोरथ है कि यदि सीता मेरे साथ होती तो मैं इस स्थान को छोड़कर कभी भी अयोध्या ना जाता, सदैव उनके साथ रमण करता। किंतु यह तो मेरा स्वप्न मात्र है। आज तो अभागी प्यारी सीता के वियोग में मैं वनों में मारा मारा फिर रहा हूँ। जिस सीता ने मेरे लिए महलों के सुखों का परित्याग कर दिया, मैं उसी की वन में रक्षा ना कर पाया। ये कैसा मैं जीवन धारण करूँ। मैं अयोध्या जाकर किसी को क्या बताऊँगा, माता कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा। मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। मैं इस विपत्ति के पहाड़ के नीचे दबा जा रहा हूँ। मुझे इस विपत्ति के छुटकारे का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मैं यही पंपा सर में डूब कर अपने प्राण दे दूंगा। भाई लक्ष्मण, तुम अभी अयोध्या लौट जाओ। मैं अब जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। बड़े भाई की यह दशा देखकर बोले, हे पुरुषोत्तम राम, आप शोक ना करें। हे तात रघुनंदन, यदि आप रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वो किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। आप पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर वो सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। आप तो अत्यंत धैर्यवान पुरुष हैं, आपको ऐसी विपत्ति में सदैव धैर्य रखना चाहिए। हम लोग अपने धैर्य उत्साह और पुरुषार्थ के बल पर ही रावण को परास्त कर सीता को मुक्त करा सकेंगे। आप धैर्य धारण करें। लक्ष्मण के इस प्रकार समझाने पर अत्यंत संतप्त राम ने शोक मोह का परित्याग कर धैर्य धारण किया। वे पंपा सरोवर को लांग कर आगे बढ़े। चलते चलते जब वो ऋषिकमुख पर्वत के निकट पहुंचे तो अपने साथियों के साथ उस पर्वत पर विचर करने वाले वन बलवान वानर राज सुग्रीव ने इन दोनों तेजस्वी युवक को देखा। इन्हें देखकर सुग्रीव के मन में शंका हुई। उसने कहा, निश्चय ही बाली ने इन दोनों धनुर्धारी वीरों को छदम वेश में भेजा है। भयभीत होकर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ ऋषिकमुख पर्वत के शिखर चले गए। सुग्रीव को इस प्रकार चिंतित देखकर वाक्पुट हनुमान बोले, हे वानराधिपति, बालिक तो शापवश यहाँ आ ही नहीं सकता। आप सहसा ऐसे चिंतित क्यों हो रहे हैं?
हनुमान के प्रश्न को सुनकर सुग्रीव बोला, मुझे ऐसा प्रतीत होता है ये दोनों पुरुष बाली के द्वारा भेजे गए गुप्तचर हैं और तपस्वी का भेष धारण करके हमारी खोज में आए हैं। हमें इनकी ओर से निश्चित नहीं होना चाहिए। हनुमान, तुम वेश बदल कर इनके पास जाओ और संपूर्ण भेद ज्ञात करो। यदि मेरा संदेह ठीक हो तो शीघ्र इस विषय में कुछ करना। सुग्रीव का निर्देश पाकर हनुमान भिक्षु का रूप धारण करके राम लक्ष्मण के पास पहुंचे। दोनों को प्रणाम करके अत्यंत विनीत और मृदुस्वर में बोले, हे वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी एवं देवताओं के समान प्रभावशाली जान पड़ते हैं। आप लोग इस वन प्रदेश में किस लिए आए हैं? आपके अंगों की क्रांति सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही है। आपकी विशाल भुजाओं और वीर वेश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है आप इंद्र को भी परास्त कर सकते हैं। फिर भी आपका मुखमंडल कुमलाया हुआ है और आप ठंडी सांसें भर रहे हैं। कृपया इसका क्या कारण है? अपना परिचय दीजिए। आप मौन क्यों हैं? यहाँ पर्वत पर वानर शेष सुग्रीव रहते हैं। उनके भाई बाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है। वानर शिरोमणि सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। उन्हीं की आज्ञा से मैं आपका परिचय प्राप्त करने आया हूँ। मैं वायु देवता का पुत्र हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मैं वानर जाति का हूँ और कृपया करके अब आप अपना परिचय दीजिए। सुग्रीव का मंत्री हूँ और इच्छानुकूल वेश बदलने की क्षमता भी रखता हूँ। मैंने आपको सब बता दिया। आशा है आप भी अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करेंगे और वन में पधारने का कारण बताएंगे। हनुमान की चतुराई भरी स्पष्ट बातों को सुनकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, इसकी बात से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये महामनस्वी वानरराज सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित के लिए आए हैं। इसलिए तुम निर्भय होकर इन्हें सब कुछ बता दो। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण हनुमान जी से बोले, हे वानरशेष, सुग्रीव के गुणों से हम परिचित हो चुके हैं। हम उन्हें खोजते हुए यहाँ तक आए हैं। आप सुग्रीव के कथनानुसार जब मैत्री की बात चला रहे हैं वो हमें स्वीकार है। हम अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये श्री रामचंद्र जी उनके ज्येष्ठ पुत्र और मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। 14 वर्ष का वनवास पाकर ये वन में रहने के लिए अपनी धर्म पत्नी सीता और मेरे साथ आए हैं। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया है। इसी विचार से संभवतः वे मेरी सहायता कर सकेंगे। हम लोग महाराज सुग्रीव के पास आए हैं। हे वानरराज, जिस चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के चरणों में संपूर्ण भूमंडल के राजा महाराज सिर झुकाते हैं और उनके शरणागत होते हैं, उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र आज समय के फेर से सुग्रीव की शरण में आए हैं ताकि महाराज सुग्रीव अपने दलबल सहित इनकी सहायता करें। इतना कहते हुए लक्ष्मण का कंठ अवरुद्ध हो गया। लक्ष्मण के वचन सुनकर हनुमान बोले, हे लक्ष्मण, आप लोगों के आगमन से आज हमारा देश पवित्र हुआ। हम लोग आपके दर्शनों से कृतार्थ हुए। जिस प्रकार आप लोग विपत्ति में हैं उसी प्रकार सुग्रीव पर भी विपत्ति की घटाएं छाई हैं। बाली ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया और उन्हें राज्य से निकाल दिया है, इसीलिए वे इस पर्वत पर निर्जन स्थान में निवास करते हैं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वे सब प्रकार से आपकी सहायता करेंगे। इतना कहकर हनुमान बड़े आदर से रामचंद्र और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल की तरफ से रामायण का यह 34वां एपिसोड आप लोगों के समक्ष पुनः प्रसारित किया जा रहा है। आपके सामने ये एपिसोड लेकर हम आशा करते हैं कि पूर्व की भांति ही आपका प्यार और स्नेह हमें प्राप्त होता रहेगा। आशा है कि एपिसोड पसंद आने पर आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। आपका प्यार और स्नेह ही हमें आगे के एपिसोड बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।